हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईनॉक्स के बारे में। देखिए, ये दमदार शेयर है, 500 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है, 240 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईनॉक्स का शेयर 240 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 27% का ग्रोथ है। कहाँ था ये शेयर? 189 रुपीज के ऊपर था, बहुत बड़ी रैली आई, 290 रुपए तक आया, उसके बाद गिरावट का दौर चल रहा है यहाँ पर। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में 25% की गिरावट है। आप खुद देखिए, तकरीबन 500 रुपए के लेवल पर ये शेयर पहुंचा था, उसके बाद कोविड के चलते ऐसी भयंकर गिरावट आई कि वापस उठने का टाइम नहीं मिला। हालांकि 165 रुपए तक शेयर टूटा जरूर, बाद में फिर से बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, 285 290 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन वापस गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईनॉक्स के शेयर में 15% की गिरावट है, और आप देख सकते हैं 165 रुपए का लो है, और वो इसी साल अगर 5वें महीने में ये लो बना था, पिछले महीने ये लो बना था इतना कम का, 165 रुपीज का। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2475 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 3 लाख से भी कम का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है, एफएस के पास 9.32% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 22.32% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर भी थाई होल्डिंग की बात करें तो जीएफएल लिमिटेड है, जिनके पास 51.32% की होल्डिंग है, एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है, 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहां पर अपना पैसा लगाया है, 85 एफआईएस भी यहां पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% यहां पर है। 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, और ये डिविडेंड इन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में पे किया था। यहाँ पर हम अगर देखें आइनॉक्स के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो न्यूट्रल इनके दिखाई दे रही है। पी अभी भी हाई है, 166 है, और काफी हाई पी के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल वीडियो, सिर्फ 2% लोग ही है जो खरीदने की बात कर रहे हैं, 93% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड के चलते एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनको लगा है, और सारे थिएटर्स जो देखिए उनका जो मेन पैसा आता है वो कहाँ से आता है? मल्टीप्लेक्स से आता है। आइनॉक्स में लोग क्या करते हैं? मूवी देखने जाते हैं, वहां पे जो सारी और तो और कई सारी खरीदारी भी लोग करते हैं, चाहे स्नैक्स की बात करें तो वो भी वहां पर है, तो एक बिजनेस वो है उनका जरूर। लेकिन अगर फिल्में ही नहीं चलेगी, थिएटर्स ही नहीं खुलेंगे, तो पहला इनका रेवेन्यू जीरो है, इनका रेवेन्यू वहां से जीरो है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इनको हो रहा है। और अगर हम बात करने जाए तो खुद अब देखिए मार्च क्वार्टर के नतीजे में 82 करोड़ का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है 82 करोड़ का, जबकि इससे पहले 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के मुनाफे कर रहा था ये, तो काफी बड़ी दिक्कत आई है। आपको सोचिए, जब मार्च में ये हालत है तो जून में कितने बुरी हालत इनकी हो सकती है, तो नतीजे अच्छे तो नहीं आने वाले हैं जून के भी। मार्च अगर हम देखें प्रमोटर की बात करें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, 51.89% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। FIS के पास जो पहले 11.27% की होल्डिंग थी, आज वो 9.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 21.36% की होल्डिंग थी, आज वो 22.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि FIS ने होल्डिंग गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई जरूर है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, फंडामेंटली कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कंपनी दमदार कंपनी है और काफी अच्छा इनका फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत कोविड-19 है, कोरोना यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है। सारे थिएटर्स बंद हैं और बहुत जल्दी ये थिएटर्स खुलने वाले भी नहीं है, बहुत जल्दी थिएटर्स खुलने वाले भी नहीं है। अगर इनको बिजनेस अपना करना है तो वर्ल्ड वाइड इनके थिएटर्स को, मतलब अगर पूरी पूरे इंडिया में इनके थिएटर्स खुलने चाहिए, और वो लंबे वक्त के लिए मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़े शहरों जहाँ से इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वहीं पर कोविड का खतरा सबसे ज्यादा है। जैसे कि हम मुंबई को देख ले, जैसे कि हम अहमदाबाद को देख ले, जैसे कि हम हैदराबाद और बेंगलुरु को देख ले, सूरत को देख ले, तो जो बड़े बड़े शहर हैं
जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका आ सकता है अगर मूवी रिलीज होती है तो, वहीं पर कोविड का खतरा है और वहीं की सरकार इनको थिएटर्स खोलने की मंजूरी तो नहीं भी देगी। और दूसरी बात, शॉर्ट टर्म में कुछ महीने बाद अगर थिएटर्स खुल भी जाते हैं तो एक चीज वो भी है कि भैया मूवी कौन से रिलीज होगी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाली है, जो कि प्रोड्यूसर का पैसा फंसा हुआ है, जिनकी मूवीज बन चुकी है ऑलरेडी, वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज कर देंगे, मतलब अमेजोन प्राइम पे या फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उनका एक बहुत बड़ा पैसा लंबे समय के लिए अटका रहे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज कर देंगे और अपना जो पैसा है वो वहां से निकाल लेंगे। थिएटर्स में अगर वो लोग रिलीज भी करते हैं तो डर के मारे बहुत कम पब्लिक जाएगी और कुछ कुछ जगह तो परमिशंस भी नहीं मिलेगी और काफी ज्यादा हल्ला भी होगा, ये बात अलग से यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा, और हर शो खत्म होने के बाद पूरे थिएटर को सैनिटाइज करना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अब कुछ जानते हैं कि जब फ्लाइट्स भी उड़ रही थी, अभी जो फ्लाइट्स उड़ भी रही है डोमेस्टिक फ्लाइट की अगर हम बात करें तो वो भी कितना चैलेंजिंग हो रहा है। तो अगर आप कुछ सोच के देखिए कि अगर थिएटर्स अगर खुल जाते हैं तो हर शो के बाद सैनिटाइज करना, वो भी एक एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर जुड़ जाता है, अलग से खर्चा यहाँ पर इनके ऊपर लगेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए इसको अवॉइड करें, मुझे लगता है कि 200 रुपए से भी नीचे ये शहर आपको देखने को मिल जाएगा। खरीदारी करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, 200 रुपए के नीचे शहर आपको देखने को मिल जाएगा। 4 लाख कोरोना के केसेस हो चुके हैं इंडिया में, 4 लाख, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और जब इतने सारे केसेस हो चुके हैं तो देखिए कुछ चीजों में छूट छाट मिली है, लेकिन थिएटर्स में मुझे नहीं लगता कि छूट छाट मिलने वाली है और ना ही मिलेगी आने वाले कुछ वक्त तक। तो 200 रुपए तक भी ये शर्ट जा सकता है, हो सकता है इससे नीचे भी टूट जाए। तो खरीदारी करना जो लोग चाह रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि होल्ड करें, जल्दबाजी मत करें खरीदारी करने की। दमदार शहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, कोविड खत्म होते ही ये शहर आपको रॉकेट की तरह ऊपर उछलता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी की हालत में मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।